उधर यमुनानगर में देर शाम कोलकाता निर्भया के एक कैंडल लाइट विरोध शोक मार्च निकाला गया, जो नेहरू पार्क से शुरू होकर प्यारा चौक, मधु चौक होता हुआ नेहरू पार्क पर समाप्त हुआ। रंगला पंजाब जे बनाउणा उहदे वास्ते सेहतमंद पंजाब पहलां चाहीदा है। 96 तों 97% लोक जिहड़े ने ओह महल्ला क्लिनिक चों ठीक हो के घरे वापस चले जांदे ने। सरकारी हस्पतालां ते बर्डन बहुत घट गया। मोहल्ला क्लिनिक जिहड़ा बनिया होया उहदी बिल्डिंग बहुत अच्छी बनी हुई है, उत्थे सब तरह दीआं फैसिलिटीज़ दित्तीआं होईआं सरकार वल्लों। 2 हफ्ते तो खंघ ने बहुत परेशान कराया था जी। मैं पहला बार प्राइवेट दवाई लैंदा रहा, फिर इत्थे आके लत्ती जी टेस्ट फ्री होया, इत्थों मैं ठीक हो गया, हुण मैं ठीक हाँ बिल्कुल। शानदार मोहल्ला क्लीनिक है, सफाई है और डॉक्टर उन्हां दी जिहड़ी दवाई लिखनी है वो कंप्यूटर च ऐड कर देंदे ने, जिथे दवाई लैनी है उत्थे तक कंप्यूटर पहुँच जाती है, टोटल पेपरलैस है। मान साहब ने बहुत वधिया उपराला कीता, वधिया काम करिया सरकार ने, गरीबां दा भला करता। ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਬਾਕੀ ਦੇ ਕੰਮ ਬਾਅਦ 'ਚ, ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਹਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੀ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਸਾਡਾ ਵਿਜ਼ਨ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਲਥ ਟੌਪ ਕਲਾਸ ਦਾ ਇਲਾਜ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਇੱਕ ਮੈਡੀਕਲ ਹੱਬ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਹੈ, ਔਰ ਮੈਂ ਕੋਈ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ, ਮੇਰਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਜੀ। इस अवसर पर आईएमए के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर राजन शर्मा ने घटना को लेकर दुखद बताते हुए स्वतंत्र और निष्पक्ष एजेंसी जैसी जांच और दोषी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। उन्होंने कहा कि डॉक्टरों के लिए सुरक्षित कार्यस्थल और सुरक्षा के लिए केंद्रीय कानून बने। इस अवसर पर शहर के अन्य डॉक्टरों ने इस घटना की निंदा करते हुए मामले में सख्त कार्रवाई की मांग की है। कि ये जो हुआ है कलकत्ता में एक रेसिडेंट डॉक्टर के साथ, वो किसी के साथ नहीं होना चाहिए। वो किसी की बेटी है, किसी की बहन है, जस्ट बिकॉज वह डॉक्टर है, हम मजबूर हो रहे हैं कि हम ये समाज के सामने लाएं, क्योंकि और कोई वर्ग सामने नहीं आ रहा है तो हाईलाइट दिस इशू कि इतनी ज़्यादा इतनी हीनस क्राइम जैसे निर्भया कांड है, यह इसको प्रेस वालों लोगों ने, जैसे आप लोगों ने इसे कोलकाता निर्भया कहा है, ये हमें इस कैंडल मार्च से हम सबको ये जागरूक करना चाहते हैं कि ऐसी घरौनी हरकत बिना सजा के जानी नहीं चाहिए और इसको ऐसे को कैपिटल पनिशमेंट मिलना चाहिए। डॉक्टर के साथ मैं भी इसको कंडेम करता हूँ और हमारी आईडी है आईएमए के साथ इस विषय पे सॉलिडरिटी से खड़ी है, और मैं सरकार से चाहूँगा कि इसके अगेंस्ट फास्ट और स्विफ्ट एक्शन लिया जाए और इंश्योर किया जाए फ्यूचर में ऐसे काम ऐसे द्वारा दुष्कृत्य कोई कर ना सके। ये कैंडल मार्च से हम समाज को और प्रशासन को चेताना चाहते हैं और चाहते हैं कि केंद्र सरकार इतनी देर से हमारी लंबित मांग एक केंद्रीय कानून ऑफ वायलेंस अगेंस्ट डॉक्टर्स को जल्द से जल्द लेके आए, और ताकि हस्पताल एक सुरक्षित जगह बने।